हमारे कृषि मंत्री, पूर्व सांसद, सम्मानित श्री चंद्र कुमार जी, हिमाचल सरकार में हमारे युवा खेल एवं आयुष मंत्री मान्य श्री यादविंदर गौमा जी, जो युवा मंत्री है, हमारी पूर्व में कांग्रेस की अध्यक्षा और राज्यसभा सदस्य मंत्री माननीय श्रीमती विप्लव ठाकुर जी, हमारे अजय महाजन जी जो कि पूर्व में विधायक थे, माननीय श्री सत महाजन जी के बेटे थे, माननीय श्री सुरेंद्र मनकोटिया जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, श्री राजेश शर्मा जी कांग्रेस के प्रत्याशी थे, श्री रामचंद्र पठानिया जी चेयरमैन कांगड़ा एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक, श्री प्रेम कौशल जी, श्री नरदेव कंवर जी और इस क्षेत्र के हमारे सम्मानित और मेरे सहपाठी, मेरे भाई, हमने अपना राजनीतिक जीवन NSOS से शुरू किया, फिर युवा कांग्रेस की राजनीति की, फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की राजनीति की और आज हम जब लॉ करते थे तब भी इकट्ठे पढ़ते थे, राजनीति करते थे तब भी इकट्ठे राजनीति करते थे। मुझे प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला और आज मुझे अपने दोस्त की इस विधानसभा क्षेत्र में आने का भी मौका मिला, इसके लिए मैं अपने भाई संजय रतन जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। संजय रतन जी किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, शुरू से संघर्ष करके आगे आए और किसी ना किसी तरह से कांग्रेस की विचारधारा को इस ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में पैठ बनाई। जब कभी भी मेरी इनसे मुलाकात होती थी मुख्यमंत्री बनने के से पहले भी, तो ये ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के लिए हमेशा से संघर्ष करते रहते थे और आज जब ये अपनी मांगों को लेकर अपना डिमांड चार्टर पढ़ रहे थे तो मुझे लग रहा था कि हिमाचल के बजट में ज्वालामुखी का कोई विशेष स्थान देना पड़ेगा। इतनी मांगे रख ली, लेकिन आप तो जानते हैं एक वर्ष पहले जब आप लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया था, उस आशीर्वाद के बाद हिमाचल की जो आर्थिक स्थिति है और उस आर्थिक स्थिति पर जो आपदा ने प्रहार किया उससे अभी उठने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कड़े प्रयासों के द्वारा, नीतिगत फैसलों के द्वारा और आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में जो हमने नियम बदले उसका लाभ धीरे धीरे हिमाचल प्रदेश को मिलना शुरू हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, मैं अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का धन्यवाद करूंगा। जब कभी भी कानून बदलने की बात आई, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यों ने उस कानून बदले में हिमाचल के हित में कोई भी हिचक नहीं दिखाई और आज हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है। जो प्रदेश 75,000 करोड़ रुपए के कर्ज के नीचे दबा हो, जिस प्रदेश में कर्मचारियों को 6th पे कमीशन तो दे दिया गया हो लेकिन उसका एरियर नहीं दिया गया, 10,000 करोड़ की लायबिलिटीज हम पर छोड़ दी गई हो, उस प्रदेश की आर्थिक हालत क्या होगी ये आप जानते हैं। उसके बाद जो आपदा आई उसने प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं जहां प्रदेश का मुख्यमंत्री भी हूं वहां प्रदेश का वित्त मंत्री भी हूं और इस आपदा में जो भारतीय जनता पार्टी के राजनेता
जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं वो शोभनीय नहीं देता। मैंने बार बार कहा, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे उनसे बार बार हमने अनुरोध किया कि प्रदेश में इतिहास की सबसे बड़ी आपदा आई है, इस सभागार में बैठे हुए जितने भी लोग हैं, इस मंच पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं, वो भी कहते हैं कि हमने अपने समय की सबसे बड़ी आपदा इस वर्ष देखी। तकरीबन 4000 घर बुरी तरह तबाह हो गए, 13000 घर आंशिक रूप से बह गए, कुछ पशु जो बिल्कुल उनको छोड़कर चले गए, फसलों को नुकसान हुआ, और पहली बार हमने इस आपदा को चुनौती मानकर लड़ाई लड़ी। हम सब लोगों ने दिन रात मेहनत की और ये कोशिश की कि इस आपदा से जो परिवार बेघर हुए हैं उनको घर बसाने का दायित्व हमारी राज्य सरकार का है। और इस सिलसिले में हम बार बार भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध करते रहे कि कम से कम आप आपदा में हमारे साथ केंद्र सरकार के पास चलिए। भारतीय जनता पार्टी के आपदा के समय ये बात करते रहे कि विधानसभा का सेशन बुलाइए। मैंने कहा हम विधानसभा का सेशन बुलाएंगे, लेकिन जब ये आपदा कम हो जाएगी तब हम विधानसभा का सेशन बुलाएंगे। मैंने कहा अगर हम विधानसभा का सत्र बुलाते हैं तो जितने सरकारी कर्मचारी हैं, जितने पुलिस के कर्मचारी और अधिकारी हैं, वो विधानसभा की सुरक्षा में लग जाएंगे और अधिकारी सवालों का जवाब देने में लग जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले विधानसभा सत्र की मांग करते रहे, और जब विधानसभा का सत्र बनाया गया मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे हैं कि आपदा पर बहस होनी चाहिए। उन्होंने प्रस्ताव रखा, हमने अपनी तरफ सरकार की तरफ से उन्हीं के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, और 3 दिन तक जब चर्चा हुई बड़ी बड़ी बातें उन लोगों ने कही, लेकिन आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़े होने के लिए और हिमाचल के साथ खड़े होने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उस प्रस्ताव के समर्थन में वोट नहीं दिया। हमारी मेजोरिटी थी, हमने मेजोरिटी से उस प्रस्ताव को पारित किया, उस संकल्प को पारित किया। उसके बाद मैं देश के प्रधानमंत्री से मिला, मैं देश के गृह मंत्री से मिला, मैं देश के वित्त मंत्री से मिला, और मैंने कहा इस आपदा प्रभावित राज्य को आप स्पेशल रिलीफ पैकेज दीजिए, जिस तरह आपने गुजरात में दिया, जिस तरह आपने उत्तराखंड में दिया, जिस तरह आपने और राज्यों में दिया, हमें भी स्पेशल रिलीफ पैकेज दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कोई स्पेशल रिलीफ पैकेज की मांग किसी से नहीं की। यहाँ से 3 सांसद छूटकर जाते हैं, कांगड़ा के सांसद को पूछना चाहिए, तीनों सांसदों को पूछा जाना चाहिए कि क्या आप देश के प्रधानमंत्री से, प्रदेश की जब सबसे बड़ी आपदा आई तो क्या आपने उनसे कोई मांग की स्पेशल रिलीफ पैकेज की? कोई भी सांसद ना तो गृह मंत्री से मिल सका, ना ही प्रधानमंत्री से मिल सका, और ना ही वित्त मंत्री से मिलकर उन्होंने ये बात उठाई। और जब मैं अभी देख रहा था, कह रहे थे हमने इतने 1000 करोड़ की मदद की है, वो मदद नहीं है, वो बजटीय मदद है। अगर पीएम आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए आपको सिर्फ 1.5 लाख रुपया मिलता है, वो एक सर्वे के हिसाब से उन्होंने मकान का दे दिया, और जो बजट में NDRF और SDRF का पैसा जो हमें मिलता है उसको दर्शा कर वो बोल रहे हैं कि हमने मदद की। कोई स्पेशल रिलीफ पैकेज हिमाचल प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने नहीं दिया, और केंद्र के जो हमारे यहाँ के सभी सांसद हैं उन्होंने भी प्रदेश सरकार की मदद नहीं की। हमने अपने आर्थिक संसाधन जोड़े और हमने अपने आर्थिक बजट में थोड़ी कटौती करके, इधर उधर का बजट कटौती करके हमने 4500 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया, जिससे सड़कों को दुरुस्त किया गया, पानी की योजनाओं को दुरुस्त किया गया। और मेरे सामने जब उन 16000 घरों की बात आई तो कहा जिसका मकान आंशिक रूप से टूट चुका है उसे नियम के अनुसार, कानून के अनुसार सिर्फ 5000 रुपया दिया जा सकता है, और उसके बाद
जिसका मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है उसे सिर्फ 1.5 लाख रुपया दिया जा सकता है। मैंने बैठक खत्म की अधिकारियों से, मैं रात भर सोचता रहा कि 1.5 लाख रुपया जिसका पूरा मकान क्षतिग्रस्त हो चुका है उससे कैसे उसका घर बनेगा। पाई पाई जोड़कर एक घर बनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में, बड़ी मुश्किल से एक घर बनता है। मैंने रात भर जब सोचने के बाद अगले दिन फिर अधिकारियों की बैठक की और मैंने उन 16,000 परिवारों के लिए नियम बदल दिए, कानून बदल दिया और 1.5 लाख रुपए की जगह हमने उन्हें 7 लाख रुपया देने का वादा किया। ये हम सच्ची श्रद्धा हमारी हिमाचल की जनता के लिए थी। अभी 3 लाख की पहली किस्त मिली है, बाकी और किस्तें भी आपको मिलेगी और 7 लाख रुपया पूरा घर बनाने के लिए मिलेगा। 5,000 रुपया जो मिलता था हमने उसमें भी बदलाव कर दिया और 5,000 की जगह हमने 1 लाख रुपया जिसकी दुकान चलेगी, जिसका आंशिक रूप से मकान चला गया, 1 लाख रुपया दिया। ऐसा कभी भी हिमाचल के इतिहास में नियमों को तोड़कर आपदा प्रभावित परिवारों की किसी ने मदद नहीं की। ये कांग्रेस की सरकार थी जिसने आप लोगों की मदद की है। 1 वर्ष के भीतर जहां आर्थिक बदहाली है, आर्थिक तंगी के दौर से हम गुजर रहे हैं, वहां आपदा प्रभावित परिवारों को 4500 करोड़ रुपए का हमने स्पेशल रिलीफ पैकेज दिया। यही नहीं, इसी बीच हमें फैसला करना था कि जो सरकारी कर्मचारी है, जो सरकारी अधिकारी है, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में विकास की गाथा लिखी है, चाहे पुलिस के कर्मचारी चाहे किसी भी सरकार के कर्मचारी है, उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम की जब योजना लाई गई, उस ओल्ड पेंशन स्कीम में जब चर्चा हुई, हमारे पास बजट कुछ नहीं था, एक पैसा तक नहीं था। हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति थी, हम चाहते तो 5 साल बाद चुनावों से पहले ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करते, पर उन 4 साल में कितने सरकारी कर्मचारी रिटायर होकर विदाउट ओल्ड पेंशन के घर बैठ जाते। मैंने फैसला किया, हम चुनाव जीत चुके थे, हमने फैसला किया कि नहीं, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो हिमाचल के कर्मचारी और अधिकारियों को मिलनी चाहिए। मेरे पास अधिकारी आए, फाइनेंस का बात किया, मैंने बोला नहीं, हम इस व्यवस्था को बदलेंगे और हमने आर्थिक तंगी के बाद भी ओल्ड पेंशन स्कीम अपने सरकारी कर्मचारी और अपने अधिकारियों को दी। ये सरकार की कटिबद्धता होती है कि अपने सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का ख्याल रखे। लेकिन मैं चाहूंगा कि जितने भी हमारे सरकारी कर्मचारी है वो थोड़ा सा सबर जरूर रखे। एरियर की मांग आ रही है, डीए की मांग आ रही है, पर हम किसी ना किसी तरह से अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना चाहते हैं। जो अर्थव्यवस्था अगर पटरी से उतर गई, अगर मैं भी रूटीन की तरह सरकार चलाऊं, तो आने वाली युवा पीढ़ी है उसका भविष्य अंधकार में होगा। इसलिए मुझे थोड़ा पीड़ा भी होती है जब मैं कोई कड़े फैसले लेता हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उन सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के अधिकारों को सुरक्षित नहीं रखा जाएगा। सभी अधिकार, सभी आपके को सुरक्षित रखा जाएगा, लेकिन मुझे आपदा के बाद उन किसानों का भी सोचना है, उन बागवानों का भी सोचना है, उन मजदूरों का भी सोचना है जो हमारे समाज के विभिन्न अंग है। इसलिए हमें अपनी अर्थव्यवस्था को ही पटरी पर लाना जरूरी है। हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि समाज का अंतिम व्यक्ति, गांव के दूर इलाके में बैठा हुआ जो व्यक्ति है, सरकार की योजनाओं का लाभ उस तक पहुंचे। सरकार की योजनाएं जब आम व्यक्ति तक पहुंचेगी तब हम आगे बढ़ेंगे। आज मैं देखता हूं शिक्षा के स्तर में इतना निचला ग्रामीण स्तर आ गया है कि गुणात्मक शिक्षा के स्थान पर हम पूरे हिंदुस्तान में 18वें स्थान पर पहुंच गए। कभी किसी ने ख्याल नहीं किया, किसी ने मांग नहीं की। गांव के बच्चे टाई लगा रहे हैं, साथ में स्कूल खुला, कहते कहां पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं, कि वहां अच्छी पढ़ाई होती है। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर भी टेस्ट के माध्यम से आता है और एलिजिबिलिटी के माध्यम से आता है, लेकिन कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है।
तब वो जिस मैं किसी प्राइवेट स्कूल की निंदा नहीं करता, मैंने उसकी बैठक ली और मैंने कोशिश की कि आने वाले समय में शिक्षा के स्तर में सुधार किया जाए। और जब हमने बैठक ली, हमारे दिमाग में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल आया। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पहले चरण में एक राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल आएगा, जिसका शिलान्यास अभी मैं करके आया हूं। उस स्कूल में तकरीबन 25 से 40 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। सब बच्चे जो प्राइमरी में पढ़ते हैं, बेसिक एजुकेशन जो प्राइमरी में पढ़ने वाले गांव के हमारे बच्चे हैं, उन बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छे टीचर के द्वारा उनकी पढ़ाई हो। हम भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, आम स्कूल से पढ़े हैं, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं। जब गवर्नमेंट स्कूल का एक बच्चा पढ़कर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है, मेरे साथी संजय रतन जी भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, ये भी यहाँ के विधायक बन सकते हैं, तो गांव के बच्चे जो हमारे गांव में रहने वाले बच्चे हैं, उसमें गवर्नमेंट स्कूल में पढ़कर क्यों नहीं वो आगे आ सकते। इस दृष्टिकोण से हमने शिक्षा में बदलाव किया। और आपको बताना चाहूंगा कि इस बार 2 महीने बाद जो नया एकेडमिक सेशन शुरू होने जा रहा है, कोई आप लोगों ने मांग नहीं रखी कि हमारे स्कूलों में पढ़ाई का स्तर गिर रहा है, किसी ने मांग नहीं रखी, किसी बच्चे के माता पिता हमारे पास नहीं आए। हमने अनुभव किया, अपनी गलती में सुधार किया। 40 वर्षों से एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था चली हुई है और हमने ये फैसला किया कि अगले साल से इस बार उम्र में रिलैक्सेशन देकर 6.5 साल से अगले साल पहली कक्षा में बच्चों की एडमिशन होगी। और इस बार 2 महीने बाद जो सेशन शुरू होगा, उसमें इंग्लिश मीडियम के साथ ही गवर्नमेंट स्कूलों में पहली कक्षा से इंग्लिश और हिंदी की मैथ की इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई शुरू होगी। यही नहीं, हम देखते हैं कि घर में गाय रखी है, भैंस रखा है, अब किसानों की आय को कैसे बढ़ाया जाए। मेरे साथ चौधरी चंद्र कुमार जी बैठे, चर्चा हुई। आज तक जो मिल्क फेडरेशन गाय का दूध खरीदती थी, कभी 1 रुपया बढ़ाते थे, कभी 2 रुपया बढ़ाते थे। हमने कहा कि 90% लोग हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। हमने एक ही स्टॉक में 32 रुपए जो मिल्क फेडरेशन दूध खरीदती थी, हमने एक ही बार में 6 रुपए बढ़ाकर 38 रुपए कर दिया गया। आने वाले समय में हम गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। कितनी हमारी माताएं हैं, कितने हमारे युवा साथी हैं, किस प्रकार रोजगार के साधन गांव में पैदा हो, हमारी सरकार उस दृष्टि से भी काम कर रही है। हेल्थ के मामले में ले लीजिए, हमें तो 1 साल हुआ है, हम सब लोग कसूरवार हैं। हॉस्पिटल में जाते हैं, फिर उस एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में, दूसरे हॉस्पिटल से तीसरे हॉस्पिटल में, फिर लास्ट में PGI चले जाते हैं, बीमारी बढ़ जाती है। हमने उसमें सुधार करने की बात कही है। आने वाले समय में पूरे प्रदेश में हम अदर स्वास्थ्य संस्थान बनाने जा रहे हैं, जहां सभी प्रकार की सुविधा आपको मिलेगी। लेकिन इन सब चीजों के लिए धन चाहिए, और धन कहां से आएगा? राज्य एक परिवार है। जिस तरह आप अपने परिवार का संचालन करते हैं, आपको पता है कि परिवार के महीने की पहली तारीख में आपके पास पे आएगी। अगर आपके पास 10,000 रुपया पे आती है, तो आपने अपना खर्चा बांटा होता है, बच्चे की फीस है, बच्चे को जेब खर्चा भी देना है, फिर अपने भी खर्चे चलाने हैं, सब्जी भी लानी है, सब प्रकार से चीजें लानी करते हैं ना। और अगर 10,000 से ज्यादा खर्चा आ जाए तो क्या करते हैं आप? पड़ोसी से 1,000 रुपया मांग लेंगे कि अगले महीने दे दूंगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में चले जाएंगे, डिपो की जो सोसाइटी है उसमें चले जाएंगे, और पैसा आप उससे उधार लेंगे 10,000 से। उसी तरह सरकार भी एक परिवार है, आप मेरे परिवार के सदस्य है, उस परिवार का मुखिया मुझे आपने बनाया है। तो क्या होता है कि अगर हमारा खर्चा 100 रुपया है, तो हमारा महीने का खर्चा 170 रुपया है। 170 रुपए के लिए हम 70 रुपए क्या कर रहे हैं? कर्ज उठा रहे हैं। और किसके कारण उठा रहे हैं? जो पिछली सरकारें आयाराम की तरह आई और दूसरी तरह चलती रही। मैंने कहा इस प्रकार की व्यवस्था हिमाचल प्रदेश को कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बना सकती, और हमने फैसले लिए। और आज मैं कह सकता हूं कि 2027 तक
हिमाचल प्रदेश अपने पांव पर खड़ा होगा। आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव हमने अपने बजट के माध्यम से रख दी है और 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा, ये सब आपके सामने होगा। लेकिन उसमें आप लोगों का साथ चाहिए, सभी वर्गों का साथ चाहिए। जो हम योजनाएं ला रहे हैं, जब तक वो धरातल पर नहीं उतरती तब तक वो योजना पूर्ण नहीं होती। मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं पहली बार, रीति रिवाज होता है सचिवालय जाते हैं, मैंने उस रिवाज को बदला। मैं बालिका आश्रम गया, उन बेटियों से मिला जिनके पिता नहीं थे, जिनकी माता नहीं थी। मैंने उनके दुख को पढ़ा कि किस तरह बालिका आश्रम में रह रहे हैं। मैंने सोचा कि इनके लिए एक योजना लेके आनी है। वो मेरे पास आए थोड़ी थे, हमारे से मांग थोड़ी की थी, जिस तरह सरकारी कर्मचारी डीए की मांग करते हैं, किसान अपनी मांग करते हैं और अपनी मांग करते हैं। मैंने उनके दर्द को पढ़ा और हमने कहा कि हम इन बच्चों का ख्याल रखेंगे। मैं जब कर्मचारी अधिकारियों के पास पहुंचा कि 18 साल के बाद इन बच्चों का हम घर भेज देते हैं, जिसका माँ नहीं बाप नहीं, कभी चाचे के पास रह रही है, भावना थी कि करेंगे क्या, पता नहीं घर में दो पैसे भी मिलेंगे। हमने उन बच्चों के लिए जिनके माँ नहीं थी, जिनकी बाप नहीं थी, सबसे पहले मैंने योजना बनाई। योजना बनाकर मैंने चर्चा की, मैंने कहा 18 साल के बाद बच्चा कॉलेज जाता है, 22 साल का कॉलेज करके आएगा, पढ़ने में तेज होगा तो एमए करेगा, एमए के बाद एमफिल करेगा, पीएचडी करेगा, तो ये सारे साल 27 साल तक इस बच्चे को पढ़ाई का खर्चा सरकार को उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कितनों बच्चों का कैसा सरकार उठाएगी। मैंने कहा कि नहीं, हमें किसी भी प्रकार कटौती करनी है, पर इन बच्चों को हमारा सारा खर्चा उठाएंगे, क्योंकि मैं जानता था कि अधिकारी किस प्रकार से बात करते हैं। मैंने उसी दिन शपथ ली और सोचने लगा कि इन बच्चों को कैसे हमने आगे लाना है। और हमने हिंदुस्तान का पहला कानून बनाया, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कानून नहीं है। जो बच्चे अपनी माता को खो चुके हैं, जो बच्चे अपने पिता के खो चुके हैं, कोई अनाथ आश्रम में रह रहा है, कोई चाचा जी के पास रह रहा है, मामा जी के पास रह रहा है, हमने उन बच्चों को 27 साल तक ये फैसला किया कि अगर वो एमए बीए एमबीबीएस आईआईटी आईआईएम जाना चाहते हैं, सरकार उनकी फीस देगी, पूरे हॉस्टल का खर्चा देगी, कपड़े पहनने के लिए हर साल 10,000 रुपया देगी और 4,000 रुपया हर महीना पॉकेट मनी भी देगी। अगर कोई बेटी, आपके यहाँ भी कोई अनाथ है जिसके माँ बाप नहीं है, बेटा कोई अनाथ है, आप उसकी रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, उसकी शादी के खर्चे का भी 3,00,000 रुपया सरकार देगी। अगर उसके पास जगह नहीं है तो जगह भी उपलब्ध करवाएगी, और अगर उसके पास जगह है तो 3,00,000 रुपया मकान का भी उपलब्ध करवाएगी। ये सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि समाज का कौन सा वर्ग छूट गया है, हमारी सरकार उस दायित्व का निर्वाह कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरह सरकार नहीं है कि 5 साल आए, सुख सुविधाएं ली, बड़ी बड़ी गाड़ियां ली और उसके बाद चले गए। मैं कर्मचारियों से एक बार फिर अनुरोध करना चाहता हूं, आपके दर्द और पीड़ा को हम जानते हैं, लेकिन हमें किसान का भी देखना है, मजदूर का भी देखना है, महिलाओं का भी देखना है। इसलिए मैं आप सब लोगों का साथ चाहता हूं। एक वर्ष में हमने क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भी बात करें, आज मैं कह सकता हूं कि आप लोगों के साथ से, विधायक और अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ, हमने हिमाचल प्रदेश को एक आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश की दिशा में आगे कदम बढ़ाते हुए हम ले जाना चाहते हैं। आप देखेंगे आने वाले समय में और परिवर्तन होंगे और फैसले लिए जाएंगे जिससे समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे। यही हमारी सरकार का औचित्य है। यही नहीं, अंत में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम लोग राजनीति में कोई नए नहीं है। मैं और संजय रतन जी छात्र जीवन से राजनीति करते आए हैं, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़कर हमने संघर्ष किया। आम परिवार से उठकर मैंने राजनीति के अपने जीवन की शुरुआत की। तब माता पिता क्या बोलते थे उस समय, जब हमारा सरकारी नौकरी कर लो, तुम्हारी उस समय रिवाज था कि सरकारी नौकरी कर लो, 4 पैसे कमाने लगी जाऊंगा तो ठीक होऊंगा और ब्याह भी हो जाऊंगा, कहते संजय रतन जी पीछे से बोल रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने राजनीति का माध्यम इसलिए नहीं चुना
कि हमें बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए। राजनीति का माध्यम इसलिए चुना कि हम समाज के उन व्यक्तियों तक पहुंच बनाए जो व्यक्ति हमारी योजनाओं से वंचित रह चुका है। यह सरकार की कटिबद्धता है और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। पहले ही साल में हमने 20,000 युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। 31 मार्च से पहले मैंने डेडलाइन दी है, तकरीबन 5,500 जिसमें बैच वाइज टीजीटी आर्ट्स की, नॉन मेडिकल की, शास्त्री की, पीटीआई की भर्तियां खत्म हो गई है, कुछ जगह शुरू हो चुकी है, और जो टेस्ट के माध्यम से निकलने हैं उनकी भी एडवर्टाइजमेंट होने वाली है। 590 लेक्चरर्स की पोस्टिंग, रिटर्न टेस्ट होने वाला है। 2061 हमारे वन मित्र है, 1231 पुलिस के हमारे स्पेशल कमांडो फोर्स भर्ती होने जा रहे हैं, जिसमें 30% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलने वाला है। आईपीएच में तकरीबन हम अभी पहले चरण में 5,000 और दूसरे में 5,000 और भर्तियां करने जा रहे हैं। कितनी हम पोस्टें निकाल रहे हैं, लेकिन सभी युवाओं को सरकारी क्षेत्र में हम रोजगार नहीं दे सकते। हम केवल रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं जहाँ सरकारी क्षेत्र में हम रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं। इनकी तरह सरकारी क्षेत्र में वैसा रोजगार पैदा नहीं कर रहे कि सबोर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर में है, वहां से कुछ लोगों के पैसे लेकर उनको पास करवा दिया जाता था, उनको सरकारी नौकरी दी जाती थी। हम वो रोजगार पैदा कर रहे हैं जहां मेरिट होगी, वो बच्चा आगे आएगा, उसको सरकारी क्षेत्र में रोजगार होगा, टेस्ट के माध्यम से बच्चा आएगा। हमने देखा कि भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुका सबोर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड, जहां पेपर बेचे जा रहे हैं, कर्मचारी उसमें सम्मिलित है। मैंने उस भ्रष्टाचार के बोर्ड को भंग किया और अब नया राज्य चयन आयोग बनाया और कहा पूरी तरह पारदर्शिता के साथ इसमें अब आने वाले समय में इसमें अब युवाओं को रोजगार के अवसर निकलने जा रहे हैं। तब तक पब्लिक सर्विस कमीशन उन युवाओं को रोजगार के अवसर निकाल रहा है। ये सरकार की कटिबद्धता है। अंत में संजय रतन जी ने तो पूरा बजट मांग लिया है, लेकिन हमारी छोटी छोटी हर चीज को ये छोटे छोटे ही बोलते हैं। इन्होंने कहा है कि पीजी कक्षाएं एमकॉम मैथ फॉल साइंस हिंदी। मैं मानता हूं कि इस क्षेत्र में 3 कॉलेज है, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए उनको विश्वविद्यालय जाना पड़े या धर्मशाला जाना पड़े तो ज्यादा खर्चा पड़ता है। और एक सेवक होने के नाते संजय रतन जी ने ये बात बिल्कुल ठीक उठाई है, तो मैं इसको देने की भी घोषणा करता हूँ। प्रशासनिक भवन के निर्माण की इन्होंने खुद ही लिख दिया, स्वीकृति दी जाए, स्वीकृति दी जाती है। और सुशील रतन जी जो थे, मेरा उनसे काफी परिचय था, उनसे सीखने को मिला कैसे देश की आजादी में नंगे भूखे रहकर संघर्ष किया और आज हम आजाद भारत में बैठे हैं। उनके योगदान को कोई भूल नहीं सकता। मैं इस महाविद्यालय का नाम स्वर्गीय श्री सुशील रतन जी के नाम पर रखने की घोषणा करता हूँ। राजकीय उच्च विद्यालय डेहरिया में चुखाट को 10+2 का दर्जा दे दिया गया जी। राजकीय माध्यमिक पाठशाला बंगल चौकी थड़ा असलियार इवेगोन फोर्टी को उच्च विद्यालय बनाया जाए। जो बच्चे ही नहीं होंगे था बच्चे होंगे तो ठीक है, कर दिए। खंड विकास अधिकारी वीडियो ऑफिस ज्वालामुखी एट सुनानी में खोला जाए, क्योंकि ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में जो वीडियो ऑफिस है वो यहाँ आता है, तो यो सुरानी में खोलने की मैं घोषणा करता हूँ। जब विधानसभा का सत्र था तो माननीय विधायक संजय रतन जी ने यहाँ एक्शन का डिवीजन खोलने की बात की थी, तो जो एक्शन का डिवीजन खोलने की इन्होंने बात की थी, तो मैंने उनको एश्योरेंस दी थी कि जब बजट आएगा, क्योंकि कोई ये जो हम खोल रहे हैं ये चुनावों के दृष्टिगत नहीं खोल रहे कि आज चुनाव है और हमारे तब खोल रहे हैं। हम बीजेपी की तरह 900 कुछ संस्थान खोल दिए चुनावों से 6 महीने पहले। हम इनको खोलेंगे भी, बजट में भी इसका उल्लेख करेंगे, अध्यापक भी लगाएंगे और उसके बाद इसमें पूरा बजट प्रोविजन के साथ खोल लेंगे। क्योंकि संजय रतन जी राजनीति का आदमी, इनको पता बजट आने वाला है,
तब मेरा इन्होंने यहाँ कार्यक्रम रखवा लिया और फिर कहा कि हम इसको घोषणा करें। तो ये इसको भी मैं जो आईपीएस सब डिविजन को खोलने की घोषणा करता हूँ, आईपीएस डिवीजन जो जीन के साथ है उसको खोलने की घोषणा करता हूँ। और उप तहसील है, अगर यहाँ काम हुआ तो खुली ये उप तहसीलें खोली जाएगी, तहसील का दर्जा दिया जाएगा अगर काम हुआ। लगड़ू में एसडीओ इलेक्ट्रिसिटी का ऑफिस खोला जाए और 33 केवीए मझीण व खेड़ा में खोला जाए। हमारी सरकार तीन चीजों पर भी ध्यान दे रही है और वो इसलिए दे रही है ताकि जो युवा पीढ़ी है वो उसमें ध्यान लगाकर आगे बढ़े। क्वालिटी एजुकेशन पर, गुणात्मक शिक्षा पर दे रही है, पानी गुणात्मक वाटर पर दे रही है, गुणात्मक इलेक्ट्रिसिटी पर, क्वालिटी वाटर मिले, क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी मिले। डिम है मझीन के एरिए में, लाइट्स डिम होती है। अब बच्चा पढ़ेगा, मोबाइल भी चार्ज करना है, चाहे एक मोबाइल, कई जगह जहां डिम लाइट होती है वहां मोबाइल भी चार्ज नहीं होता, लेकिन वहां इन्होंने 33 केवीए का मझीन व ठेड़ा में, लगड़ू में एसडीओ इलेक्ट्रिसिटी का सबस्टेशन और 33 केवीए का मझीन व ठेड़ा में खोलने की बात की है, उसको मैं स्वीकृति देता हूँ। बिजली में पीड़ी में पीएससी खोली जाए, डॉक्टरों के हिसाब से खोलने की बात करूंगा, एक डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर होने भी चाहिए, एक डॉक्टर चाहिए, ओपीडी वाले सारे आए, इंटीरियर, चलो कोई नहीं, वहां में इंटीरियर एरिया में पीड़ी में, ब्यास नदी में तोड़ा पत्तन और दोनों सुंदरगढ़ में, पटवार सर्कल लुथान में, हिरण में जे काम ही नहीं रहने, तक सीमा दे इंतकाल दे तो कुछ खोल ले, वहां पे लोग ही बड़ी जरूरत दूर है बहुत। मैंने आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, कभी आपने सोचा था कि पटवारी आपको फोन करेंगे और आपका तकसीम हो जाएगी, आपका इंतकाल हो जाएगा? मैंने कई बार देखा कि बेचारे किसान गांव के लोग पटवारी के पास चले हुए, फिर खड़े हुए पूरा दिन, फिर तहसील ऑफिस में खड़े हुए, फिर शाम को किसी नेताजी का फोन आ जाएगा तो तहसीलदार जी उनके लिए चले जाएंगे और अगले दिन फिर उनके इंतकाल की डेट पड़ेगी। पहली बार राजस्व लोक अदालतें लगाई गई और राजस्व लोक अदालतों में मैं आपको बताना चाहता हूं 90,000 म्यूटेशन हुई और तकसीम जो 40-40 साल से दादे के समय शुरू होती थी, पोते के समय भी खत्म नहीं होती थी, 6,029 हुई। तो आप ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में 21,483 इंतकाल हो चुके हैं, 1,133 तकसीम हो चुके हैं। सभी डिप्टी कमिश्नर की मैंने बैठक ली, डिविजनल कमिश्नर की बैठक की ली और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि अगली बार जो एसीआर में एंट्री होगी तहसीलदार से लेकर डिप्टी कमिश्नर तक वो उसमें तकसीम, पार्टीशन, डिवाइड, डिवीजन, डिमार्केशन और डिवीजन, इन सब के नंबर रखे जाएंगे कि इन्होंने कितनी की, उसके आधार पर उनकी एसीआर में सबकी एंट्री होगी। ये क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि आम आदमी के लोगों को तक ये इनकी पहुंच बने। ये नहीं कि हमने रेड लाइट लगा दी और घूमते रहे, हमने विजिट कर दिया, आपको काम करना पड़ेगा। अगली एसीआर में जो अगले वर्ष की लिखी जाएगी, ये एंट्री की, इस प्रकार की एंट्री की जाएगी, डीसी ने कितने पार्टीशन में सहयोग किया, तकसीम में कितने में किया, तहसीलदार ने कितने किए, उससे ऊपर थे डीआरओ ने कितने किए, ये सब चीजों का काम हमारी बांट रहे हैं और इस पर हमने काम करना शुरू कर दिया और आने वाले समय में देखेंगे। अब ब्यास नदी पर सिदोड़ा पत्तन में सुधांगण के पुल का, ये नदौन से जुड़ते हैं और इनका भी काफी सालों से मांग है और उनके सबके रिश्तेदार वहां ब्याह शादियों में बड़ा घूम के जाना पड़ता है। मैं भी एक बार मझीण गया, एक ब्याह चले गया सभी, तो ऊपर पहुंच के फिर कितना किलोमीटर पैदल चलना पड़ा था, शादी करवा के अपने वहां आए।
तो मैं मजीण की एरिया को अच्छी तरह जानता हूँ और इस दौड़ा पत्तन और ये पुल की उस समय से मांग है, कोई 30-40 साल से इन दोनों पुलों को बनाने की भी हम घोषणा करते हैं। आपने बड़ोली तहसील में अगर जरूरत होगी तो खोल दी, सब तहसील की जरूरत होगी तब खोल दी जाएगी, केस देखे जाएंगे। इसी के आधार पर मैं एक बार फिर संजय रतन जी का हेलीपोर्ट के लिए आपने पैसा दिया है उसको बोल दो, हेलीपैड का यहाँ निर्माण किया जाएगा, हेलीपोर्ट का हेलीपैड का करने का बात है, आपने पैसा दे तो दिया है तो उसका निर्माण किया जाएगा। संजय रतन जी सोच रहे कि एक ही बार 4 साल में मुख्यमंत्री जी को बुलाना था, अगली बार नहीं बुलाना, इसीलिए घोषणा कर दूं मैं चंगर क्षेत्र में, पता नहीं लगना कि अगली बार सदना भी नहीं सदना, बुलाऊंगा चंगर में, पर आप तो बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, बुलाएंगे पक्की गल है। पर आप लोगों से मैं अंत में एक कहना चाहता हूँ, अंत में मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, हम लोग एक परिवार के सदस्य हैं, जिस तरह परिवार के मुख्य को जिम्मेवारी होती है, जवाबदेही होती है, मेरा आपसे अनुरोध है समय दीजिए आप। 40 साल से बिगड़ी व्यवस्था को एकदम ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से और माँ ज्वाला जी के चरणों को स्पर्श करके कहता हूं कि आने वाले समय में जो भी हम फैसले लेंगे वो हिमाचल के हित के होंगे, आत्मनिर्भर हिमाचल के लिए आप हमारा सहयोग करेंगे, पर खाली तालियों से नहीं। हौसला कब पड़ता है, जब आप मत डालने जाते और मत में ये लगता है कि इस विधानसभा क्षेत्र से इतने अधिक मत मिले हैं, मुझे इनके हित में और अच्छे कार्य करने हैं, तब उस परिवार के जो मुखिया उनका हौसला बढ़ता है। तो डाल गए भी वोट की नहीं डाल गए, हाथ गड़करी के दसा दोनों खड़ा करे ना, यही जोरे ने खड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।